22 मार्च बुधवार यानी कल से नवरात्र शुरू हो रहे हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूं अपने कैमरा पर्सन के साथ जनपद मुरादाबाद के बाजार गंज में। यहां पर नवरात्रों को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं, क्योंकि नवरात्रों में पूजा अर्चना भी की जाती है, तो पूजा को लेकर लोग बाग क्या सामग्री खरीद रहे हैं और कैसा जो है बाजार का माहौल है, वही हम आपको दिखाते हैं। भाई साहब, आप यहाँ नवरात्रि को लेकर क्या चीज खरीदने के लिए आए हैं? पूजा का सामान। जैसे क्या पूजा का सामान बताएंगे? चुन्नी वगैरह, नारियल जी, जो भी सामान पूजा वो लेना है। तो नवरात्रि कल से शुरू हो रहे हैं जी, तो कितने दिन तक चलते हैं और क्या इसका मतलब महत्व होता है नवरात्रों का, आप बताएंगे? माता रानी की पूजा की जाती है जी, जो अपनी इच्छा वो मांगा जाता है, माँ खुश होती है, वरदान देती है। तो आज ऐसा आप आ जाए हैं तो क्या क्या और सामान लेने का आपने सोचा है? फल है, पूजा का सामान है, इसी तरह का सामान ले जाएंगे। अच्छा, किस चीज़ की, जैसे मान लीजिए हम इसमें गर्मी की बात करें तो कौन सी चीज़ जो है वो सबसे बेहतर रहती है नवरात्रों में सेहत को भी देखते हुए? फिलहाल फल वगैरह सही है, अंगूर, केला, संतरा, इस तरह की चीज़ें सही है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ कुछ और भी लोग हैं, उन सभी कुछ महिलाएँ हैं और आप ये देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी कुछ जो है वो सामान लगा हुआ है। यहाँ पे फूल वगैरह भी है और यहाँ पे देखिए कुछ पूजा का सामान है। देखिए नवरात्रों को लेकर यहाँ पे महिला भी आई हुई है, ये उनसे भी जानते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? सर काजल जी। नवरात्रों को लेकर आप आज बाजार में आई है, क्या खरीदारी आप कर रही हैं? सर वही जो देवी को चढ़ेगा सर, वही सामान लेने आई हूँ मैं जी। जैसे लौंग, इलायची, कपूर और चंदन वगैरह, ये सब और पंचमेवा जिसका होता है सर जी। तो ये नवरात्र कल से शुरू हो रहे हैं, इसको लेकर आप कैसे देखती है, मतलब परिवार में जैसे और कौन लोग हैं, मतलब नवरात्र कौन कौन रखते हैं आपके परिवार में? सर सभी लोग रखते हैं, देवी की पूजा होती है, माँ विजयेश्वरी की पूजा करते हैं हम लोग जो नगरकोट में, जो विजयेश्वरी माता है, जहाँ नैना देवी है, जहाँ ज्वाला जी है, जहाँ ज्वाला जलती है, उन सबको लेकर सारी देवियों को हम पूजा करते हैं। अच्छा, इसमें एक पूजा की बात की है तो पूजा को लेकर क्या क्या सामग्री जो है वो रहती है? सामग्री सब वही जी, सब जौ, जायफल और ये गूगल वगैरह, लौंग का सबकी सामग्री मिला के हवन किया जाता है सर उसका। अच्छा, इसमें जो नारियल है इसका क्या महत्व रहता है, वो आपको पता है, बताएंगे? हाँ सर, कहते हैं कि माता के लिए जो नारियल की जो भेंट रखी जाती है तो नारियल की भेंट रखते हैं बस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। तो यहाँ पर देखा महिलाओं ने यहाँ पर भी बताया है कि नवरात्रों को लेकर काफ़ी लोग तैयारियाँ कर रहे हैं, उसमें जो पूजा सामग्री का सामान है वो भी लोग खरीद रहे हैं और नवरात्रे में जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो भी लोग काफ़ी खरीदारी कर रहे हैं। अभी इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है एक केले का ठेला है। नवरात्रों में लोग बाग जो है, जो श्रद्धालु है, फल को ज़्यादा लेते हैं क्योंकि फल जो है ताकत भर होते हैं और यहाँ पर एक फल का ठेला है। आइए इन भाई साहब से जानते हैं जी, ये जो ठेला लगा हुआ है कैसी दुकानदारी हो रही है आपकी? बहुत अच्छी हो रही है। सही चल रहा है? बिल्कुल सही, बहुत ज़्यादा। कब से आपने ठेला लगाया ये? सुबह से खड़ा हूँ। अच्छा, तो सेल वगैरह सही हो रही है? जी सब ठीक है, सब सही चल रहा। हाँ, ओके। तो क्या क्या रेट दे रहे हैं आपके? 50 रुपये दर्जन। 50 रुपये, तो अगर हम महंगाई की बात करें उस हिसाब से 50 रुपये दर्जन सही है? जी बिल्कुल सही है, महंगाई हर चीज़ महंगी है भाई साहब। अच्छा अच्छा, बाजार कैसा है इस बार नवरात्रों को लेकर? कल से नवरात्र ठीक है, सही है, ठीक सही चल रहा जी। तो भाई साहब कह रहे हैं कि नवरात्रों को लेकर जो है फल की बिक्री जो है वो काफ़ी हो रही है। आइए यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, देखिए मालाएं वगैरह भी हैं, लोग बाग ये माला और फूल जो खरीद रहे हैं इनसे भी जान लेते हैं कुछ। आप उसे कुछ सवाल जवाब कर सकते हैं, मतलब ये फूल किस लिए खरीद रहे हैं, थोड़ा बताएंगे? माता के लिए। क्या होता है फूल मालाओं का? माता को पहनाए जाते हैं। अच्छा, तो कल से नवरात्र शुरू हो रहे हैं, किस तरह से देखते हैं आप इसको? नवरात्र मंदिर लगाते हैं, मंदिर सजाते हैं, उनकी पूजा करते हैं जी जी। अच्छा अच्छा, तो इसमें कोई चीज़ ऐसी भी होती है, मान लीजिए कोई मन्नत होती है या हम कोई चीज़ मांगते हैं तो जैसे वो आपका कुछ रहता है? हम मन्नत जैसे जैसे हमारे घर की परेशान वो हैं पूरा हो जाती है। चलिए बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। आइए यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं, उनकी भी राय जो है वो जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे भी काफ़ी ख़रीदारी हो रही है और यहाँ पर भी एक दुकानदार है, इनसे ही बात करना चाहेंगे। भाई साहब आप क्या लेना है यहाँ पर? ये पूजा का सामान लेने आए हैं जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज सिक्का है भैया। अच्छा, आप यहाँ कहाँ के रहने वाले? मुरादाबाद के हैं भैया। अच्छा,
तो आप पूजा के लिए कैसे क्या सामग्री खरीदना है? हवन सामग्री है, लौंग, इलायची है, सात प्रकार का सामान है, सभी धूप बत्ती, चुनरी, नारियल गोला, सभी चीज़ें खरीदने आए हैं भैया जी। तो परिवार में कौन कौन लोग हैं जो नवरात्रे रखते हैं और किस तरह से आप इसको देखते हैं? सभी लोग रखते हैं, कलश स्थापित किया जाता है, अष्टमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है घर पे। क्या इसकी मान्यता नवरात्रों की? नवरात्रों की मान्यता देव बचपन से चली आ रही है, जो माँ बाप ने सिखाया है, बड़ों ने सिखाया है, हमारे उसको निभाते हुए आ रहे हैं। माता रानी का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना हुआ है, सदैव उसको निभा रहे हैं। कौन सी माता रानी की इसमें पूजा की जाती है? ये नवरात्रों में सातों बहनों की पूजा करी जाती है भैया जी, ठीक है ना। बाकी अपने इष्ट आप जिसे मर्जी बना ले, दुर्गा जी को बना ले, काली जी को बना ले, आप जिसे इष्ट बना ले अपना, आप उसकी मेन पूजा करी जाती है। अच्छा, बाजारों में महंगाई को लेकर बात की जाए तो चीज़ें सब मतलब महंगाई ज़्यादा है या सब चीज़ें मतलब बजट में? देखिए महंगाई तो है जी, महंगाई के लिए क्या कह सकते हैं, महंगाई और मार्केट में काम इसलिए नहीं है क्योंकि ज़्यादातर काम सारा ऑनलाइन हो चुका है जी। हर आदमी कहता है ऑनलाइन हम चीज़ मंगा दे तो कस्टमर कहाँ से आएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो है अपनी राय रखी है और यहाँ पर अभी एक दो दुकानदार हैं, हम उनसे भी बात करेंगे थोड़ी सी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा बाजार जो है एकदम बिल्कुल चकाचक भरा हुआ है नवरात्रों को लेकर, क्योंकि आज मंगल है, मंगल को जो है जो मेन बाजार है, मेन मार्केट है, वो पूरी तरीके से बंद रहती है, लेकिन नवरात्रों को लेकर कुछ दुकानें खुली हुई हैं और बाहर भी आप देख सकते हैं फल वगैरह लगे हुए हैं। मैं कैमरा पर्सन से कह रहा हूं, देखिए उस दुकान पर चुलाई के लड्डू हैं और यहाँ पर नारियल लगे हुए हैं और भी चिप्स वगैरह हैं, काफ़ी सामान है, पूरी मार्केट इस टाइम भरी हुई है, लोग निकले हैं क्योंकि कल से नवरात्र शुरू हो रहे हैं, तो लोगों में जोश और उत्साह जो है वो पूरा भरा हुआ है। और यहाँ पर एक दुकानदार है, ये इनसे जानते हैं जी, किस तरह से दुकानदारी चल रही है? अच्छी चल रही है, ग्राहक आ रहे हैं? हाँ, अभी आना शुरू हुए हैं जब से बारिश हुई है। अच्छा, तो लोग क्या क्या मतलब क्या सामान ज़्यादा खरीद रहे हैं? ज़्यादातर पूजा का और हवन का सामान और व्रत की कचरी पावर सब खरीदते हैं। किस नाम से आपकी दुकान है ये? जैन प्रोविजन स्टोर। अच्छा, और लोगों में किस तरह का उत्साह दिख रहा है मतलब नवरात्रों को लेकर? अभी जैसे आप देख सकते हैं बारिश पड़ रही थी, मौसम खुला है, तो लोग बाग ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं सामान लेने, और अब की बार ज़्यादा वैरायटी भी आई है व्रत के सामानों की। जैसा आपने कहा वैरायटी आई है, तो वैरायटी में क्या कुछ नई चीज़ें हैं? व्रत की नमकीन आई है, लड्डू आए हैं बढ़िया, और पट्टी आई है व्रत की कचरी पापड़ आए हैं, बहुत वैरायटी है। चलिए, तो इन्होंने भी बताया कि इस बार कुछ जो है नई वैरायटी आई है व्रत के लिए, जो कचरियाँ वगैरह होती हैं कुछ नई चीज़ें आई हैं। और अभी भी आप पीछे देख सकते हैं कि पूरी की पूरी भीड़ लगी हुई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद मुरादाबाद के बाजार गंज में, और ये एक ऐसी मेन मार्केट है जहाँ पर पूरी तरीके से भीड़ रहती है, और आप देख सकते हैं पूरा का बाजार जो है वो चकाचक पूरी तरीके से भरा हुआ है। तो यहाँ पर हमने आपको लोगों की राय है वो बताइए, जो यहाँ पर श्रद्धालु हैं पूजा को लेके, नवरात्रों को लेके क्या ख़रीदारी उन्होंने की है, जो यहाँ के दुकानदार हैं उन्होंने भी ये बात बताई है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि नवरात्रों को लेकर एक बेहद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उत्साह बना हुआ है लोगों में और काफ़ी ख़रीदारी की जा रही है।